हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट सेकेंड, जिसका टॉपिक है ऑटिज़म। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म क्या होता है, किसको कहते हैं ऑटिज़म, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस क्या होता है और इसके कॉज क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ऑटिज़म है ये क्या होता है, ऑटिज़म किसको कहते हैं, कौन कौन से इसके सिम्टम होते हैं, ऑटिज़म के कौन से बेसिक जो है कॉजेज हैं, कारण हैं और कौन से इसकी डायग्नोसिस है। चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है ASD। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मीनिंग होता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ पे ऑटिज़म का लक्षण जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल में, तो इसीलिए यहाँ पे अगर सबको कंबाइन करके इस डिसऑर्डर को देखा जाए तो उसको नेम दिया गया है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मीन्स ASD। फ्रेंड्स, ये जो डिसऑर्डर है, सबसे पहली बात, ये डिसऑर्डर जो है वो हेरिटेबल है। हेरिटेबल मीन्स आनुवांशिक। ये जो ऑटिज़म डिसऑर्डर है जो कि इंडिविजुअल में और बच्चों में पाया जाता है, ये क्या है, हेरिटेबल है, मतलब आनुवांशिक है। हेरिटेबल से क्या मीनिंग है, क्या सेंस है, कि मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब कि अगर किसी पेरेंट्स को ये डिसऑर्डर है, ऑटिज़म डिसऑर्डर किसी भी पेरेंट्स में पाया जा रहा है, तो ये संभव हो सकता है कि अगर उसका बच्चा जो है, ऑफस्प्रिंग जो है, उसमें भी ये ऑटिज़म डिसऑर्डर पाया जा सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक, मीन्स हेरिटेबल। तो जो हमारा ऑटिज़म डिसऑर्डर है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या है, हेरिटेबल है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास आउट हो सकता है। और जो इसका सबसे जो बेसिक जो है कारण माना जाता है, उसका ये दो बेसिक कारण इसका हो सकता है, कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ऑटिज़म जो है डिसऑर्डर जो भी इंडिविजुअल है हमारे और चिल्ड्रन है उनमें पाया जाता है, वो क्या है, इन्वायरमेंटल कॉजेज एंड जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज मीन्स अगर उनके जीन्स में गड़बड़ी होने की वजह से और उनके क्रोमोसोम में अगर कोई किसी भी टाइप की गड़बड़ी होती है, डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये ऑटिज़म डिसऑर्डर उस इंडिविजुअल में या फिर उस चिल्ड्रन में पाया जा सकता है। और दूसरा कॉज जो है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी जो है ये ऑटिज़म डिसऑर्डर जो है हमारे चिल्ड्रन में, हमारे इंडिविजुअल में हो सकता है, पाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बात हो गई कि ये ऑटिज़म डिसऑर्डर जो है वो हेरिटेबल है और इसके दो जो है कारण हैं जिनकी वजह से ये ऑटिज़म डिसऑर्डर जो है डेवलप होता है हमारे चिल्ड्रंस में, इन्वायरमेंटल कॉज एंड जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज मेनली जीन्स की वजह से हो सकता है और क्रोमोजोम की वजह से हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से ऑटिज़म डिसऑर्डर के जो है लक्षण होते हैं, मतलब सिम्टम होते हैं। और सिम्टम कब प्रोड्यूस होता है, लक्षण हमको कब दिखाई देते हैं किसी भी डिसऑर्डर के, वो जब वो पूरी तरह से इंडिविजुअल में, किसी व्यक्ति में वो डेवलप हो जाता है, तब वो अपना सिम्टम शो करता है, लक्षण शो करता है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसके क्या क्या जो है लक्षण है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये ऑटिज़म डिसऑर्डर जो है हमारे बच्चों में डेवलप होता है। तो हमारा जो डिसऑर्डर इन द ब्रेन डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है बात हो रही है कि ये ऑटिज़म कब होता है,
जब बच्चों का दिमाग जो है वो डेवलप होता रहता है, जब वो डेवलपमेंट के फॉर्म में होता है, मतलब अभी बच्चा जो है छोटा होता है, अपने मदर के वॉर्म में होता है, गर्भाशय में होता है, उस टाइम पे जब उसका ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है वो डेवलप करता रहता है, अगर उस टाइम पे जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर वहाँ पे आ जाते हैं, अगर कोई इसमें डिफॉल्ट आ जाता है, तब जाके जो है उसका ब्रेन डेवलपमेंट में डिफॉल्ट हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकती है, जिसकी वजह से ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उस बच्चे में पाया जा सकता है। जो यहाँ पे है, अगर किसी भी बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर पाया जाता है, तो वो बेसिकली बहुत सारे लक्षण को वो शो करेंगे, जैसे कि उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होगी, और वो जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे हमारे सोसाइटी में, जो हमारा समाज है वहाँ पे वो जो कम्युनिकेशन की क्षमता होती है, बातचीत करने की शैली होती है, उसमें जो है उनको दिक्कत आएगी, और जो है वो सोशल स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने अंदर। तो ये तो बेसिक थिंग हो गई कि ऑटिज़म की वजह से जनरली बच्चों में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे कि बातचीत नहीं कर पाते हैं, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, और जो है वो सोशल स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। ये तो बात थी, बेसिक थी, कि कोई भी जो है अगर बात करेगा कि ऑटिज़म से क्या होता है, क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान बता सकता है कि ऑटिज़म से जो है ये सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन हम लोग अब डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली जो है ऑटिज़म है उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स एक बच्चे को हो सकती है जो कि ऑटिज़म का शिकार है। तो आइए एक एक करके तो हम लोग देखते हैं कि ऑटिज़म से बेसिकली कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कौन कौन से सिम्टम हैं उसके। तो जो हमारा फर्स्ट सिम्टम है वो क्या है, फेलिंग टू मेक आई कॉन्टैक्ट। इससे हम लोग क्या समझते हैं, फेलिंग टू मेक आई कॉन्टैक्ट मीन्स अगर वो बच्चा जो कि जिसके पास ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो जो है आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है, मतलब उसका कम्युनिकेशन कुछ और रहेगा, उसकी मूवमेंट कुछ और रहेगी, और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और होगा, मतलब उसकी जो कम्युनिकेशन है, मूवमेंट्स है, और चेहरे का जो फेस एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं होगा, एक्सप्रेशन कुछ और बताएगा, आई कांटेक्ट उसका दूसरी तरफ रहेगा, और जो है उसका वॉयस का टोन जो है वो भी अलग होगा। तो उसको आई कांटेक्ट जो है बनाने में प्रॉब्लम होती है। जो नेक्स्ट था, नॉट रिस्पॉन्ड टू दियर नेम, उसको जो है अपना नाम बताने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे अगर उसका नाम पूछा जाए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। जो नेक्स्ट हमारा सिम्टम है वो क्या है, प्लेइंग विथ टॉयज इन अनयूजुअल रिपीटिटिव वे, उसके अंदर जो है रिपीटेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस बच्चे को जो कि ऑटिज़म से ग्रसित है, ऑटिज़म डिसऑर्डर है उसके अंदर, अगर जो है उसको प्ले करने के लिए, उसको खेलने के लिए कोई खिलौना दिया जाए, तो उसको वो जो है बहुत अनयूजुअल तरीके से जो है रिएक्ट करता है, और बार बार जो है एक ही चीज़ करने में वो बार बार जो है उस एक ही चीज़ करने को प्रिफर करता है। तो यहाँ पे जो था बात वो था क्या, रिपीटिटिव वे, कोई भी काम को जो है वो बार बार जो है करता है बिना किसी मोटिव के। जो हमारा नेक्स्ट है लक्षण, जिसको हम सिम्टम कहेंगे, डिफ़िकल्टी इन प्लेइंग सोशल गेम्स। सोशल गेम्स मीन्स वो जो है हमारी सोसाइटी में हमारे नेबर्स, जो उसके जो भी नेबर्स होंगे उसके साथ वो बच्चा बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा खेलने में, प्लेइंग करने में, मतलब कि हमारे जो भी सोसाइटी के बच्चे हैं वो जो है बाहर जाके पार्क्स में प्ले करते हैं, खेलते हैं, अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चिल्ड्रन को जो है अगर ये जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी जाके दूसरे बच्चों के साथ प्ले करे, खेले, तो वो वहाँ पे जो है फेल्ड हो जाता है, वो दूसरों के साथ जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल जो है फील करता है, जिसकी वजह से वो प्ले नहीं कर पाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है वो क्या है, प्लेइंग एलोन,
मतलब वो अकेले खेलने को पसंद करता है, मतलब वो दूसरे बच्चों के साथ अनकंफर्टेबल फील करता है और खुद के साथ जो है वो अपना प्ले करता है, खेलता है, अकेले वो रहना पसंद करता है। जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है वो क्या है, डिफ़िकल्टी इन रेगुलेटिंग इमोशंस। उसको जो नेक्स्ट दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, अपने वो इमोशन को जो है रेगुलेट नहीं कर पाता है। उसके फीलिंग्स क्या हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, वो दूसरों तक उसको नहीं पहुंचाता है, मतलब अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके इमोशंस को जो है कोई पहचान नहीं सकता कि आखिर में उसके मन में उसकी फीलिंग्स क्या हैं। तो वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को जो है रेगुलेट नहीं कर पाता है और कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो नेक्स्ट हमारा सिम्टम आता है वो आता है हेयर पुलिंग, सेल्फ बाइटिंग। कभी कभी जो है ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार हैं, वो कभी कभी अपने बाल को खींचने लगते हैं और कभी कभी खुद को बाइट कर लेते हैं, मतलब खुद को काटने लगते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है वो क्या है, डज़ नॉट अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई दूसरा नॉर्मल इंसान अगर उनके बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को वो समझ नहीं सकता। और टोन ऑफ वॉइस के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं, टोन ऑफ वॉइस होती हैं और चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो जो है मैच नहीं होती हैं। वो बोलेगा कुछ और, उसकी जो बॉडी की मूवमेंट होगी वो कुछ और बताएगी और उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कुछ और डिनोट करेगा। तो ये उसका कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं होता है। जो हमारा नेक्स्ट था, बात था एक्सप्रेशन, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसकी टोन ऑफ वॉइस के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में। ये तो था कुछ सिम्टम जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक्स है, मतलब वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है। तो अब आइए जो है हम लोग बात कर लेते हैं उसकी डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो जो पता लगाने की बात है, आइडेंटिफाई करने की बात है कि किसी भी बच्चे में ऑटिज़म पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका बच्चा जो है ऑटिस्टिक है या फिर नहीं है। अगर ये सारे सिम्टम जो है उनके बच्चे में दिखाई पड़ते हैं, तब जो है वो पेरेंट्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि उनका बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है। उसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत डर जाते हैं, फियर कर जाते हैं और वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्नोसिस की बात आ रही है कि कैसे हम उसको क्योर करेंगे, अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे, तो अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई भी जो है थेरेपी नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चा जो है ठीक हो चुका है। तो बहुत सारे केसेस में जो है सक्सेस मिली है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसकी डायग्नोसिस जो है वो जो है नहीं हो पाई है कि कैसे इसका इलाज किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑटिस्टिक बच्चे जो ऑटिज़म के शिकार हैं वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं हमारे सोसाइटी में जो कि सक्सेस पा चुके हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनको दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो फैमिली की हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे वो टीचर्स की ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, ये थे जो है कुछ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम और उसके बारे में बेसिक नॉलेज और उसकी डायग्नोसिस और उसके कॉजेज। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में नॉलेज हो चुकी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।